साटा हक दिल्ली वालों के हक की मैं बात कर रही हूँ, और अब वक्त उस शख्स से जवाब मांगने का जिसने दिल्ली के 24,000 लोगों से बिजली का बिल आधा करने का वादा किया था, सरकार भी बनाई और फिर खुद अपनी सरकार गिरा दी। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की मैं बात कर रही हूँ, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे साथ हॉट सीट पर हैं। तमाम सवालों पर अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है आप खुद देख लीजिए। कैबिनेट नो तैयार हुआ था और उसे अब वोट ऑन अकाउंट में इंक्लूड किया जाना था। उन हजारों लोगों से मेरी अपील है कि जम के काम करो, और इस बार भारी बहुमत से सरकार बनेगी तो फिर अगली सरकार उसको करेगी। नहीं नहीं, 2 महीने की बात है, उसके बाद तो हमारी सरकार आ ही रही है वापस, फिर करेगी ना आगे। अभी ये कैसे काम करते हैं, आपने देखा 2 दिन में जब विधानसभा चली कोई बिल पास ही नहीं होने देते, वो कुछ पास ही नहीं दे रहे थे, ऐसे कैसे सरकार चलेगी। तो भारी जनता को बहुमत देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुमत देंगे हम, जम के काम करके दिखाएंगे। उन्होंने सरकार गिरा दी, अब पूर्ण बहुमत दो, देखो मैं ठीक करके दिखाऊंगा। आधा बहुमत क्यों दिया, 28 सीट क्यों दी फिर जनता ने, 36 सीट देते तो मैं करके दिखा देता। अब जनता 40 से भी ज्यादा सीट देगी और फिर करके दिखाएंगे, पूरा करके दिखाएंगे, सारे वादे पूरे करके दिखाएंगे। हमने 2 वादे किए थे चुनाव के पहले, हम कोई पलटे नहीं है, सारी जनता के बिलों को हम 400-400 यूनिट तक के जितने लोग थे सबके बिल आधे किए, सब्सिडी दी हम लोगों ने, फिर आप कैसे कह सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने, हमने कहा था कि जिन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, बिजली आंदोलन में पड़े, वो आम आदमी पार्टी के लोग नहीं थे, वो बीजेपी वाले भी थे, कांग्रेस और सारे दुखी थे बिजली के बिलों से। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी के लोग दुखी थे, बीजेपी वाले भी दुखी थे, कांग्रेस वाले भी दुखी थे, सब लोगों ने बिजली आंदोलन में सहयोग किया था। तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने उन सब लोगों के बिल आधे करने की कोशिश की जिन लोगों ने बिजली आंदोलन में भाग लिया था, पेंडिंग बिल एरियर। लेकिन वैसे 400 यूनिट से कम का हमने सारे लोगों का बिल, पूरे दिल्ली के लोगों का बिल माफ कर दिया, आधा कर दिया। 400 यूनिट तक का तो पूरे दिल्ली का हमने आधा कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने बिजली आंदोलन में भाग लिया था और 1 साल से अपना बिल नहीं दिया था, ऐसे लोगों का उन पेंडिंग बिल का आधा हमने माफ करने के लिए कहा था। साड्डा हक दो सवाल हमने रखा अरविंद केजरीवाल के सामने, और सुना आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये गेंद जनता के पाले में ही डाल दी, ये कहकर कि जनता बहुमत देगी तभी कुछ हो सकता है, हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल वाजिब है कि वो 49 दिन जब सत्ता में थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की गद्दी पर थे अरविंद केजरीवाल, आखिर उन 49 दिन का हिसाब कौन देगा। तो साड्डा हक देख रहे थे आप, फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे, लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मुद्दा आप अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी है saddahaknews24@gmail.com, या फिर फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, saddahaknews24 पर।